Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. So I'm Gunjan. So आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में, like control and coordination in animals and plants. ये आपकी यूनिट नंबर 2 क्लास 10th के वर्ल्ड ऑफ लिविंग का सेकेंड चैप्टर है. सो ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब हुआ? ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब आपने कभी सोचा है, जब किसी गर्म चीज़ को आप लोग टच कर लेते हैं, सपोज देयर इज़ अ कप, है ना, कोई गर्म कप पड़ा है और आपने गलती से उसको टच कर लिया, सो आपकी बॉडी इमीजिएटली अपना हाथ पीछे कर लेती है ना. कभी सोचा है ऐसा कैसे होता है? कभी आप चलते चलते, लाइक व्हेन यू आर वॉकिंग, आप अपनी बॉडी को कैसे बैलेंस करते हैं? सो कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? सो आज हम इस चीज़ को, इस मैजिक हमारी बॉडी में जो ये होता है, इसको रिवील करने वाले हैं. सो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से हमारी बॉडी में होता है और इसको कौन कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों को. तो एक थिंकिंग ऑर्गन है और एक जिसे हम ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो हमारी इन सभी एक्टिविटीज़ को, उसके अंदर जो हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. सो इसके इसमें इस वीडियो में आज हम लोग इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे. देन हम एनिमल्स के नर्वस सिस्टम पे फोकस करते हुए कि नर्व्स क्या होती हैं, हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज में धीरे धीरे पढ़ेंगे. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन. सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. हम इसके बारे में आज अच्छे से स्टडी करने वाले हैं. सो ये देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपको कुछ कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं कि अगर आप सो रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, सिंगिंग हो रही है, यू आर ईटिंग समथिंग, यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज, यू आर रनिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर क्लीनिंग योर हाउस, पेंटिंग योर हाउस, राइट, कुकिंग फूड, यू आर स्टडिंग. सो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी किस तरह से कर पाती है? सो ये सारी चीज़ें किस से रिलेटेड हैं? सो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में, लाइक हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी यूजुअली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहा जाता है कि उसकी, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सीड भी है, वो सॉयल में डाला, सॉयल से वो बाहर निकल के आता है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो लिविंग है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हर ऐसी चीज़ जो लिविंग है, जो ग्रो करती है, जो मूव करती है, वो लिविंग है, ठीक है. सो इसमें अब आप देखिए, कुछ प्लांट्स हैं जैसे वो सनशाइन में ग्रो कर रहे हैं, कुछ चिल्ड्रंस हैं वो लाइक दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, बफेलो है वो बेटर डाइजेशन के लिए च्यूइंग करती है, कट करती है, ताकि वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सके. आप देखिए यहाँ पे एक किड है, उसकी आईज में लाइट फॉल कर रही है, या वो किसी गर्म चीज़ को टच कर रहा है, ठीक है. सो ये सारी की सारी मूवमेंट्स जो हैं, ठीक है, इसमें मूवमेंट तो हो रही है, पर क्या इसका ये मतलब है कि ये ग्रोथ का पार्ट है, कि ये मूवमेंट हो रही है तो ये ग्रो कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना. अब कोई खेल रहा है बच्चा, या वो बफेलो जो है वो च्यू कर रही है, ठीक है, हम कोई चीज़ को टच कर रहे हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को, और हाथ पीछे कर रहे हैं, सो दैट डजंट मीन कि हम ग्रो कर रहे हैं. तो ये है क्या? तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिसको केयरफुली कंट्रोल किया जाता है कुछ स्पेशल टिश्यूज़ के अलावा, ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स आता है. दिस इज़ वॉट, दिस इज़ अ रिस्पॉन्स. कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, ठीक है, कुछ भी एनवायरनमेंट में यूज़ आ गया, जो भी हम चेंज को हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड बैक करती है, ठीक है. रिस्पॉन्ड बैक करने का मतलब इट्स लाइक कि आप सोचिए, किसी ने आपको स्लैप किया बहुत ज़ोर से, ठीक है, बहुत ज़ोर से स्लैप किया, और सडनली आपके फेस पे अगर स्लैप आया तो आप एकदम से पीछे हट जाएंगे, अपना फेस, अपनी नेक मसल को पीछे करेंगे. सो इमीडिएट कुछ
आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, वो रिएक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। सो इसको कौन कंट्रोल करता है? ये कुछ स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में जो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रिस्पॉन्स आर बॉडी गिव्स टू द चेंज इन एनवायरमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसे आप समझिए। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स, इससे पहले आप समझिए नर्व सेल्स, न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन, न्यूरॉन एक टर्म आएगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। बस आप समझिए कि ये किस्म से कुछ नर्व्स के सेल्स हैं जो हमारे ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एक मतलब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। सो ये क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। तो हम लोग अब इसमें बात करते हैं कि जो हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, तो वो पहुंचाने के लिए भी एक पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। तो रिसेप्टर्स क्या होंगे, रिसेप्टर्स एक ऐसे कुछ टिप्स होती है, स्पेशलाइज टिप्स होती हैं जो नर्व सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। जैसे ही स्टिमुलस आया आपके पास, कोई भी स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया कोई भी सडन चेंज इन एनवायरनमेंट आया। जैसे कि आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, तो जो उसमें से हीट थी, हीट गर्म चीज़ थी, गर्म, वो क्या हो गया, स्टिमुलस। आपकी बॉडी को आपके हैंड ने उसको टच किया, सो वो क्या हो गया कि आपके हैंड तक वो चीज़ गई। तो वो जा रही है, जा रही है, तो आपके हैंड ने रिसीव किया स्टिमुलस को। जो वो रिसीवमेंट हुई उसको हम लोग रिसेप्टर बोलेंगे। तो कोई भी एक ऐसे स्पेशलाइज्ड लाइक नर्व सेल्स होते हैं जो सडनली जो भी कुछ चेंज आया स्टिमुलस के द्वारा, उसको डिटेक्ट करना और उसको नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना इज कॉल्ड एज रिसेप्टर। समझ आया? अब सपोज आपको थप्पड़ पड़ा, आपके पेरेंट्स ने ना पढ़ने के कारण सपोज आपको स्लैप कर दिया, ठीक है। तो आपको जो स्लैप, स्लैप से जो टच आपकी स्किन पे गया, वो क्या था, एक स्टिमुलस। और जो आपकी स्किन ने उसको रिसीव किया, वो क्या हो गया, रिसेप्टर। तो ये सब नर्व सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। सो रिसेप्टर, आई होप दिस इज क्लियर विद यू। रिसेप्टर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर और गस्टेट्री रिसेप्टर। ये कुछ रिसेप्टर्स हैं जो मैंने आपके लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं। सो बेसिकली ये आपने फाइव सेंस ऑर्गन्स बचपन से पढ़े होंगे। सो कुछ सेंस ऑर्गन्स, जो फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आइज, आइज ने, ठीक है, आइज के अंदर क्या हो गया, फोटो रिसेप्टर्स। आइज में क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी। जो भी लाइट पड़ी वो क्या हुआ, स्टिमुलस। उसके बाद जो बॉडी ने आपकी रिएक्ट किया, उस रिसेप्टर का नाम क्या हो गया, जो बॉडी ने रिसीव किया, ठीक है, सिग्नल, वो क्या हो गया, आइज ने रिसीव किया फोटो रिसेप्टर, ईयर्स ने रिसीव किया फोनो रिसेप्टर, क्या स्टिमुलस आया, साउंड। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किससे रिलेटेड है, नोज से। नोज किससे रिलेटेड है, स्मेल से। सो स्मेल उसके लिए स्टिमुलस हो गई। सपोज कुछ अच्छा सा, कोई अच्छी स्मेल आ रही है आपको, कुछ टेस्टी खाना बन रहा है, ठीक है, कुछ बैड स्मेल आपको आती है, या कोई परफ्यूम की अच्छी स्मेल आती है, सो ये सारे का सारा स्टिमुलस हो गया। तो उसमें आपकी बॉडी को कैसे पता लगता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के कारण। तो लोकेशन उस रिसेप्टर की नोज पे रहेगी। और अगर हम लोग थर्मो रिसेप्टर की बात करें, तो स्किन से कुछ भी टच, कुछ गर्म ठंडा टच कर दिया, ऐसे बॉडी रिएक्ट करती है थर्मो रिसेप्टर के कारण। गस्टेट्री रिसेप्टर्स हो गए टंग के, टेस्ट से रिलेटेड। तो ये पांच के पांच रिसेप्टर्स आपको पता होने चाहिए, इनकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, ये MCQs में 1 मार्क्स में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। पहली चीज अभी तक हमने बात की रिसेप्टर की, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इफेक्टर की। इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर होता है कि हमारी बॉडी, अब हमारी बॉडी कुछ स्टिमुलस आया है ना, उसने हमारी बॉडी ने रिसीव कर लिया, चाहे वो हैंड के थ्रू था, टच के थ्रू था, ठीक है,
चाहे वो स्मेल के थ्रू हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है. सपोज हमने हॉट चीज़ को टच किया तो हमारी बॉडी ने रिसीव किया स्टिमुलस, है ना. उसके बाद जो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया उस स्टिमुलस को, एकदम से हाथ पीछे कर जाना, तो वो कौन करवाता है, वो कौन, ठीक है. जो रिसेप्टर्स थे वो कहाँ तक पहुँचे, वो ब्रेन तक गए, ठीक है, ब्रेन तक गए. अब ब्रेन ने सिग्नल आगे फर्दर सेंड कर दिया कि अपना हाथ पीछे कर लो, तो वो हाथ पीछे करने वाला जो रिस्पॉन्ड होता है, जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, वो क्या कहलाता है, इफेक्टर, ठीक है. सो रिसीव करने वाला रिसेप्टर, रिस्पॉन्ड करने वाला इफेक्टर. अब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या हो गया, रिस्पॉन्स तो मतलब किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए हमारा रिएक्शन, हमारी बॉडी का जो भी रिएक्शन रहेगा उसे रिस्पॉन्स कहा जाता है. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है साइनैप्स. साइनैप्स साइनैप्स बेसिकली जो दो नर्व सेल्स हैं, जो ब्रेन में जो सेल्स सिग्नल एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, उन दोनों नर्व सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है जो, ठीक है. सपोज ये एक नर्व सेल है, ये दूसरा नर्व सेल है, जो इनके बीच में पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाता है, साइनैप्स, ठीक है. अब इसको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये टर्मिनोलॉजी आपको पहले क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो. सो नाउ कमिंग टू द नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ द एनिमल्स. सो एनिमल्स के केस में, ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बॉडी को, वो दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं. एक तो नर्वस टिश्यू कंट्रोल करते हैं, एक मस्कुलर टिश्यू कंट्रोल करते हैं. नर्वस टिश्यू क्या होंगे, नर्वस टिश्यू बहुत सारे नर्व सेल्स के नेटवर्क को मिलाकर, बहुत सारे नर्व सेल्स को मिलाकर बने हुए हैं. नर्व सेल क्या हो गए, न्यूरॉन. न्यूरॉन को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ये 2 मार्क्स में आ सकता क्या, आएगा ही आएगा आपकी एग्जाम्स में. सो इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करना है. सो बेसिकली नर्व सेल होता क्या है, नर्व सेल न्यूरॉन है जो कि बहुत सारे नर्व सेल्स को इकट्ठे करके नर्वस टिश्यू बना है. तो अगर आप नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सो बेसिकली ये इस तरह से एक बॉडी होती है. इनिशियली ये एक सेल बॉडी है, जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है जो उसको कंट्रोल करता है. तो ये जो बाहर नर्व सी आपको दिख रही है इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट. क्या बोलते हैं, डेंड्राइट. और ये जो बीच में से इस तरह से निकला हुआ है, ये क्या है, एग्जॉन. क्या है, एग्जॉन. एग्जॉन के किस से बना हुआ है, श्वान सेल से. और उसके ऊपर एक शीथ चढ़ी होती है, एक लेयर चढ़ी होती है जिसे माइलिन शीथ बोला जाता है, ठीक है. और ये लास्ट में जाके इस तरह से ये टर्मिनल्स टर्मिनल्स बन जाते हैं, ठीक है. अब ये एक नर्व सेल हो गया, इस तरह से बहुत सारे नर्व सेल्स पड़े होते हैं, और उन दो नर्व सेल्स को कंबाइन कौन करता है, उनके अंदर उनको सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए एक नर्व सेल को दूसरे नर्व सेल के बीच में जो गैप या जो चीज़ कम्युनिकेशन होती है उसे हम लोग साइनैप्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं. सो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि नर्व सेल्स करते क्या हैं, वो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते कहाँ से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक. तो कुछ नर्व सेल जो रिसेप्टर्स की अभी हमने बात करी, मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उसे रिसेप्टर बोलते हैं, जो रिएक्ट करते हैं उस इफेक्टर बोलते हैं. रिसेप्टर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को, ओल्फैक्टरी स्मेल को. और जब हमारा नोज़ ब्लॉक होता है, जब हमें कोल्ड होता है, ठीक है, तो हमें टेस्ट भी नहीं आता खाने का, डिफरेंट लगता है टेस्ट. ऐसा क्यों, जो हमारे टंग और नोज के जो रिसेप्टर्स हैं वो जॉइंटली जॉइंट हैं, वो इकट्ठे काम करते हैं, जिसके कारण हमारा टेस्ट भी हमें डिफरेंट लगता है, राइट. सो नेक्स्ट कम्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यूज की, ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सीएनएस.
CNS is सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग तीन पार्ट्स में चीज़ें पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग ये पूरा नर्व सेल्स और जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ब्रेन स्पाइन कोड के बारे में. देन हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. देन हम उसके बाद थर्ड चीज़ की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ दी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो एनिमल्स एंड एनिमल्स में दो चीज़ें हैं, CNS, PNS एंड देन एंडोक्राइन्स. हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम प्लांट्स के ऊपर चले जाएंगे. ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या होता है, CNS, ये ब्रेन का ही हमारा, ठीक है, इसके अंदर ब्रेन आता है. ये एक बॉडी का प्रोसेसिंग यूनिट है. क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट. ये देखिए, ये हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताया हुआ. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया और ये स्पाइनल कॉर्ड आ गया. तो ये बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन एक्शंस को कंट्रोल करता है. ठीक है, जो हमारा CNS है ये स्कल बोन्स से प्रोटेक्टेड होता है. ब्रेन के पास बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देन कम्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, PNS. जब भी हम PNS लिखेंगे तो उसका क्या मतलब हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये भी एक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, पर ये ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से आउटसाइड प्रेजेंट होता है. ये कुछ है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये बहुत सारी नर्व्स का नेटवर्क है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और बॉडी के बाकी पार्ट्स को कनेक्ट करता है. क्या करता है, कनेक्शन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के बाकी पार्ट्स के बीच में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो ये एक बहुत सारी नर्व्स का मिला हुआ नेटवर्क है. इसका फंक्शन क्या है, ये इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, जैसे कि बॉडी बॉडी से वापस इंफॉर्मेशन लेकर ये ब्रेन को सेंड कर देता है और ये कमांड्स को फॉलो करता है. जो ब्रेन हमारी बॉडी को कमांड्स देता है ये उसको लेकर आके सारी बॉडी तक ब्रेन से पहुँचाता है. और ये कुछ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस भी करता है. वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मतलब वॉलंटरी जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. सपोज मैंने ये काम करना है, मैंने पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, इसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, दिस इज़ अ वॉलंटरी एक्शन. अब ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है, दैट इज़ इनवॉलंटरी एक्शंस. तो ये इन दोनों को भी एनेबल करता है. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नाउ जो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, ये आप देखिए, ये आपको डायग्राम अच्छे से करने की ज़रूरत है. ये एक बार हम फिर से कर लेते हैं. ये हमारा सेल बॉडी है. सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है. ये इस तरह से एक लंबी सी ऐसे ये एग्जॉन होती है, इसके अंदर श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं. श्वान सेल्स के ऊपर एक शीथ होती है जिसे माइलिन शीथ बोला जाता है और ये एंड करते हैं एग्जॉन टर्मिनल्स को. इस तरह से आगे एक और न्यूरॉन बना होता है, ठीक है, एक और न्यूरॉन बना होता है इस तरह से नर्व सेल्स. तो ये इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है इसे साइनेप्स बोला जाता है, ठीक है. सो ये इम्पॉर्टेंट है. सो आपको इसकी डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से. देन न्यूरॉन्स कितनी तरह के होते हैं, हम लोग अगर बात करें, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो कि एनवायरनमेंट से कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, इफेक्टर रिसेप्टर की बात कर रहे थे, रिसेप्टर तक पहुंचे. रिसेप्टर में काम कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन काम करते हैं. सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, उन्होंने नर्व सेल्स ने वो इंफॉर्मेशन ली स्टिमुलस से, ठीक है, एनवायरनमेंट से वो स्टिमुलस को लिया, उससे रिसीव की, इनपुट रिसीव किया और वो सिग्नल कहाँ तक पहुँचा दिया, हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. हम लोग इसमें ज़्यादा आपके सिलेबस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ही या PNS के बारे में जितना मैंने आपको बताया जस्ट उतना ही आपकी NCERT में गिवन है, उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. हम लोग यहाँ पे CNS की ही बात करेंगे बेसिकली. सो सेंसरी न्यूरॉन क्या हो गए, किससे रिलेटेड है, रिसेप्टर से रिलेटेड है. तो रिसेप्टर ने वो सिग्नल रिसीव किया था, स्टिमुलस रिसीव किया था, तो वो हमारे CNS तक कौन पहुँचाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स. उसके बाद इफेक्टर तक कौन लेकर आएगा उनको, कि आपने अपना हाथ पीछे करना है गर्म चीज़ से, उसको कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन्स. तो जो नर्व सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसको सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं, ब्रेन से
मसल्स को कि वो अपनी मूवमेंट उसी अकॉर्डिंग कर सके। और इन दोनों को जो ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ता है, ठीक है, और बॉडी फंक्शंस में वाइटल रोल प्ले करता है, उसे हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूरॉन। सो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन जो कि सिग्नल रिसीव करते हैं और वो CNS तक पहुंचाते हैं, मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल को जो उसको प्रोसेस करने के बाद बोलते हैं बॉडी ब्रेन से बॉडी पार्ट को मसल को बोलते हैं कि आप अपना रिएक्शन शो कीजिए, अपना रिस्पॉन्स शो कीजिए। और जो इन दोनों को कनेक्ट करता है वो क्या होता है? इंटर न्यूरॉन। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। और ये सब कुछ बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही मल्टी सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में काम होता है। इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होती है हमारी बॉडी की कि आप सोचिए, आपने टच किया तो सडन रिएक्शन आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लग रहा है इस चीज़ को। ओके, सो इट्स अ वेरी सडन रिएक्शन, तो ये प्रोसेसिंग बहुत फास्ट रहती है हमारी बॉडी में। सो अब देखिए, अब अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमने टच किया, सिग्नल गया और हमने एकदम से हाथ पीछे कर लिया। अब हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। सो ये एक प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरी मैंने ये टेबल जो बना रखा है ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें पिक्चर में समझेंगे हम। हमारी बॉडी को स्टिमुलस आया, गर्म चीज़ आई, स्टिमुलस आया, हमारी रिसेप्टर्स ने उसको रिसीव किया। उसके अंदर कौन से न्यूरॉन्स थे बताइए मुझे, कौन से न्यूरॉन्स थे? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स ने वो लिया, तो सेंसरी न्यूरॉन्स, हम न्यूरॉन्स में हमने अभी तक स्ट्रक्चर किया। न्यूरॉन्स में सबसे पहले वो कहाँ जाएगा सिग्नल? डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स के पास, नर्व सेल्स के डेंड्राइट टिप पे गया, केमिकल रिएक्शन हुई, उन्होंने इम्पल्स क्रिएट किया, उन्होंने सेल तक वो पहुंचाया। अब डेंड्राइट से होते हुए वो कहाँ जाएगा? एक्सॉन तक जाएगा। एक्सॉन ने कुछ केमिकल्स रिलीज किए, फिर दूसरे नर्व सेल्स को, एक नर्व सेल हो गया, उसके बाद दूसरे नर्व सेल को उसने क्रॉस किया, साइनैप्स को क्रॉस करके, ठीक है, फिर उसने इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट किया नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट को, ठीक है। उसके बाद उसने इस तरह से सारी प्रोसेसिंग करके अब मैसेज को कहाँ डिलीवर कर दिया? मसल सेल को। मसल सेल को, मसल सेल मतलब जो हमारी बॉडी ने रिएक्शन शो करना है, तो वो इफेक्टर के थ्रू हुआ। और वहां पे कौन से न्यूरॉन्स ने काम किया? मोटर न्यूरॉन्स ने, मोटर न्यूरॉन्स ने, ठीक है। सो ये सारी की सारी एक्टिविटी यहाँ पे हुई। समझ में आया? सबसे पहले रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन्स ने काम किया, न्यूरॉन्स में कौन सी पार्ट आई? डेंड्राइट्स के पास गए, फिर उन्होंने केमिकल रिएक्शन की, एक इम्पल्स क्रिएट किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उन्होंने वो इम्पल्स इस सेल बॉडी को दिया, इस सेल बॉडी ने आगे ट्रांसफर कर दिया एक्सॉन को, एक्सॉन ने इसके जो एंड थे इन्होंने कुछ केमिकल्स रिलीज किए, फिर बीच में साइनैप्स को क्रॉस किया, फिर दूसरा न्यूरॉन था, दूसरे न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट ने इस सिग्नल को फिर से रिसीव किया, और करते 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 उन्होंने मसल सेल्स को क्या क्या डिलीवर कर दिया कि आप अपना हाथ पीछे कर लीजिए, गर्म चीज़ से अपना हाथ हटा लीजिए। तो ये चीज़ हो गई नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के बारे में। तो एक चीज़ इसमें और ध्यान में रखनी है, अगर अगर कोई भी चीज़ जो ये पूरी प्रोसेसिंग है, ये तो हमारा CNS कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ अगर आपने कभी और नोटिस की हो कि आपको कैसे पता है, अभी आप बड़े हो चुके हो, आपको कैसे पता है कि मुझे गर्म चीज़ से अपना हाथ हटाना ही है? तो ये भी हमारा ब्रेन, ये हमारा CNS काम करता है कि बचपन में कोई चीज़ हमारे साथ हुई होती है, हम सीखते हैं, तो जो उसकी मेमोरी है वो हमारे ब्रेन में, हमारे CNS में स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है। तो जब हम बड़े होते हैं तो हम अवेयर रहते हैं कि हमें पता होता है कि हमें इस चीज़ से ध्यान रखना है। सो जो वो मेमोरी सेव होती है वो भी हमारा CNS का एक पार्ट है। ओके, सो वो भी आपने एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। देन रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग हुई ये एक रिफ्लेक्स एक्शन इसे बोला जाता है। जैसे कि जिसने हमारा थिंकिंग जो है वो काम नहीं करता, जो थिंक थिंक है ना, सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि आपने आइज को ब्लिंक, जैसे आपकी आंखों के ऊपर लाइट पड़ी, ठीक है, एक लाइट पड़ी, जैसे आप देखिए इस बेबी की आइज के ऊपर लाइट डाल रहे हैं, तो बेबी आई को ब्लिंक करेंगे,
ठीक है, वी ऑल डू. सो इट्स अ नेचुरल रिएक्शन. क्यों? क्योंकि ये एक अनकॉन्शियस रिएक्शन है हमारी बॉडी का स्टिमुलस को लेकर. स्टिमुलस क्या हो गया यहाँ पे? लाइट. तो हमारी आईज के जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने काम किया, सडनली आंखें बंद कर ब्लिंक करनी शुरू कर, या किसी गर्म चीज़ को टच करने पे हाथ का विड्रॉल, हाथ को पीछे कर लेना. ठीक है, तो इन सब चीज़ों में एक अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. इसमें जो थिंकिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होती. जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती. ठीक है, सो ये एक नर्व इम्पल्सिस के थ्रू बॉडी में जाता है और बॉडी उसको ब्रेन तक जाता है और जो ब्रेन सिग्नल वापस पहुंचाता है बॉडी को, और बॉडी का एक सडन रिएक्शन, सडन रिस्पॉन्स आता है उस स्टिमुलस को लेकर जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती. अगर इन चीज़ों में थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा? तो अगर थिंकिंग थिंकिंग टिश्यू इन्वॉल्व हो गया ना फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल में, तो क्या होगा? वो सारे के सारे सिग्नल्स को रिसीव करेगा बॉडी से, पहले सोचेगा कि किस तरह से इसको रिस्पॉन्स करना है, फिर वो उसको इंस्ट्रक्ट करेगा मसल्स को वापस कि आपको मूव करना है नहीं करना है. सो वो सारा सिग्नल बॉडी पार्ट्स तक लेकर आएंगे जिसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे. जैसे कि अगर गर्म चीज़ को आपके हैंड ने टच कर दिया हॉट ऑब्जेक्ट, तो अगर थिंकिंग टिश्यू इन्वॉल्व हो गया तो आप अपना हाथ हटाने से पहले बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग होने लग गई, आपको सोच पड़ गई. सो दैट इज़ दैट विल नॉट बी अ सडन रिएक्शन. तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारी बॉडी का उसमें थिंकिंग काम नहीं करती, ये आप ध्यान में रखेंगे. और रिफ्लेक्स आर्क क्या रहती है? रिफ्लेक्स आर्क जो पूरी प्रोसेसिंग हुई रिफ्लेक्स एक्शन में, जो अभी तक हम पढ़ते आ रही हैं, जो पूरा पाथवे था इम्पल्सिस का रिफ्लेक्स सेक्शन में, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क, जिसके अंदर रिसेप्टर इन्वॉल्व है. सबसे पहले तो स्टिमुलस इन्वॉल्व है, फिर रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन आया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो लेकर गया सिग्नल को, फिर मोटर न्यूरॉन को उसने पास किया, उसने इफेक्टर को तक पहुँचाया. जो इफेक्टर क्या थे? मसल्स या ग्लैंड्स थे जिन्होंने रिएक्शन शो किया. सो सारी की सारी बॉडी पार्ट्स में से नर्व्स ने अपने ब्रेन तक, है ना, जो अपना रास्ता बनाया, पूरा पाथवे जो था वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है, सो दीज रिफ्लेक्स आर्क्स जो हैं वो दे आर इवॉल्व एज अ फंक्शन, फंक्शन की तरह इवॉल्व हुए और इसमें थिंकिंग प्रोसेस नहीं काम करता. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क इवॉल्व हो गया है क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए. सो बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क में हुआ क्या, जो आपका पाथवे क्या बना, स्टिमुलस आया, इस पिक्चर में देखिए हीट आई, हीट इज अ स्टिमुलस. रिसेप्टर क्या था यहाँ पे? ये हमारा हैंड है, रिसेप्टर क्या था? स्किन. स्किन से क्या गया? स्किन से यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ये रेड वाला सेंसरी न्यूरॉन गया, सेंसरी न्यूरॉन गया CNS तक पहुंचा, वहाँ पे उसने प्रोसेस किया जो भी ये सिग्नल थे, ठीक है, केमिकल सिग्नल्स थे, उन्होंने आगे पहुंचाए. सो रिले न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को भी बोला जाता है, जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है वो रिले न्यूरॉन है. सो बेसिकली हुआ क्या, उसने आगे फर्दर मोटर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी. अब मोटर न्यूरॉन होते हुए जो ग्रीन वाला पार्ट है मोटर न्यूरॉन, तो यहाँ पे उसने मसल को बोला कि अपना हाथ पीछे खींच लो. तो मसल में क्या हुआ? इफेक्टर. सो मसल कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, उसका रिस्पॉन्स क्या रहा? उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और अपना हैंड को विड्रॉ कर लिया. सो ये हमारा पूरा पाथवे जो था वो रिफ्लेक्स आर्क था, और जो रिस्पॉन्स जो था वो रिफ्लेक्स एक्शन था. एक बार हम दोबारा से कर लेते हैं, ये हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं. हीट आई, हीट स्टिमुलस थी हमारे हैंड में, हमारी हैंड में स्किन जो थी रिसेप्टर थी, उसने सेंसरी न्यूरॉन भेजे CNS तक, CNS ने सेंसरी न्यूरॉन में प्रोसेसिंग की, रिले न्यूरॉन की हेल्प से उसने मोटर न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, उसी मोटर न्यूरॉन ने जो मसल्स थी वहाँ पे इफेक्टर हो गया, वो इफेक्टर उसने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया, उसने बोला कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके हैंड को विड्रॉ कर लो. ठीक है, सो दिस इज द पाथवे.
I hope this is all clear with you. If you still have any doubts, you can comment me in the comment box. I'll get back to you. And stay tuned for more videos. And if you like this video, don't forget to press the like button and share among your friends. Thank you so much. Bye-bye. Take care.